Hello everyone, welcome back to my channel BZP. As you all know that my PC got attacked by ransomwares, so मेरे पास कोई भी वीडियो क्लिप्स नहीं बची हैं. आज के इस वीडियो में से दो क्लिप्स मुझे Google Drive पे मिली एंड बाकी मैंने कल शूट किया था. एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ड्यूरिंग दिस हार्ड टाइम एंड आई एम ट्राइंग टू गेट बैक स्ट्रॉन्गर देन बिफोर विथ योर हेल्प एंड सपोर्ट. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 इजी बॉटल आर्ट शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप सीरियसली बहुत इजीली अपने घर में बना सकते हैं. इनके जो भी ट्रेसिंग्स वगैरह हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं. तो इस बॉटल पेंटिंग को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बॉटल. आप प्लास्टिक की बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास प्लेन सरफेस वाली है तो. एंड उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले एक बेस को जेसो का. जेसो आपके कलर्स को होल्ड करता है एंड आपके कैनवास को या जो भी सरफेस आप पेंट करना चाहते हैं उसको पेंटिंग के लिए वो रेडी करता है. तो यहाँ पे मैंने जेसो भी अप्लाई किया था एंड इसके बाद एक बेस कोट मैंने वाइट कलर का भी दिया पूरे सरफेस को स्मूथ करने के लिए. नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये ड्रेसिंग यहाँ पे ट्रेस कर लूँगी. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा. एंड इसको हम कार्बन की हेल्प से यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे. तो ये काफ़ी डिटेल्ड पेंटिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं. तो जितनी अच्छी आप ड्रेसिंग करेंगे उतना अच्छा आपका आउटपुट आएगा. तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसे ट्रेस कर लीजिए. तो यहाँ पे मैंने जो बेसिक लाइन आर्ट था वो मैंने ट्रेस कर लिया है. अब बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे रेड एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ. एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से जो एजेस हैं मेरी पेंटिंग के साइड उनको मैं प्लेन ब्रश से पेंट कर लूँगी एंड बाकी बॉटल को हम स्पंज की हेल्प से डैप करते हुए पेंट कर लेंगे सो दैट कि एक स्मूथ टेक्सचर आएगा. तो यहाँ पे हमने अपने बैकग्राउंड को रेडी कर लिया है. मैंने बिल्कुल प्लेन रेड कलर से इसे पेंट किया है. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक कलर एंड यहाँ पे परमानेंट मार्कर एंड इससे अब हम जो भी डिटेलिंग का काम है वो हम करेंगे. तो यहाँ पे तो मैंने दोनों यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं. एंड ये जो परमानेंट मार्कर है वो काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिल जाती है लोकल स्टेशनरी में, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं. बट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जब तक कि आपका सरफेस कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता तब तक आप मार्कर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत अच्छे से चलेगा नहीं एंड वो फिनिशिंग नहीं देगा. तो इसके लिए आपको इसे कम्प्लीटली ड्राई करना होगा सबसे पहले. मतलब आप 1 से 2 दिन इसे छोड़ दीजिए, बैकग्राउंड को नेचुरली कंप्लीटली ड्राई होने दीजिए, उसके बाद आप मार्कर से इसे पेंट कर सकते हैं. एंड ये रिफिलेबल होता है, आप इसका इंक भी खरीद सकते हैं एंड इसको आप रिफिल करके भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख लीजिए ब्रश से अगर हम करने जाएंगे तो इतनी छोटी डिटेलिंग हम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मार्कर का यूज़ किया है. तो हमारी पेंटिंग अब रेडी हो चुकी है. लास्ट में बॉटल थोड़ा सा प्लेन लग रहा था तो मैंने इस तरीके से डॉटा टूल से कुछ फ्लावर्स बना दिए एंड दैट्स इट, हमारा फर्स्ट बॉटल आर्ट रेडी है. तो अब चलते हैं अपने सेकंड बॉटल आर्ट की तरफ. तो इसके लिए मैंने एक प्लेन ब्लू बॉटल ली है एंड इसका कलर मुझे इतना सुंदर लगता है कि मुझे इसको पेंट करने का मन ही नहीं करता, तब भी मैंने सोचा कि चलो कुछ इसमें इन्हेंस करते हैं. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये एक गोल्डन पेंट, जो कि आपने बहुत बार मेरे वीडियो में देखा होगा. एंड ये वही सिंगल कंटेनर है जो अभी तक चला आ रहा है, पिछले 2 साल से मैं इस कलर को यूज़ कर रही हूँ. एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप ऐसा पेंट लोकल हार्डवेयर से लेकर के आएँ. सारे महंगे कलर्स, सब कुछ पेंट, सारे पेंट्स इसके सामने फेल हैं. इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी है, ये कलर इतना अच्छा है. आप बस लोकल हार्डवेयर में जाके बोलिए कि आपको गोल्डन पेंट चाहिए, वो आपको किसी भी ब्रांड का हो वो दे देंगे. एंड आप कोशिश करिएगा, बोलिएगा कि आपको वो पाउडर वाला दें, तो उनके पास रहती है, उनके पास बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं तो वो आपको दे देंगे.
एंड ये आपको मोस्टली सारे सरफेस पे चलता है। मैंने फैब्रिक पे ट्राई तो नहीं किया है, बट वैसे तो ये सारे सरफेस पे ही बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है। एंड यहाँ पे मैं डॉटा टूल एंड ब्रश की टिप से यहाँ पे कुछ मैं मंडला आर्ट बना रही हूँ। मैं थोड़ा सा ही करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये बॉटल का कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है, एंड इसे पेंट करके मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गोल्डन का टच दिया है। बस थोड़ा सा ही डिटेलिंग किया है एंड देखिए हमारी बॉटल कितनी खूबसूरत लग रही है। एंड यहाँ पे जो ये डॉट आर्ट है, ये सारा उस डॉट आर्ट टूल का खेल है। इसके लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बना सकता है इस आर्ट को। तो बस हमारा सेकंड बॉटल आर्ट भी रेडी है। तो फाइनली मैंने अपने मुच्छड़ मैन के लिए दुल्हन बना ही ली है, तो अब चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। तो मैंने सेम बॉटल ली है, मतलब सेम शेप वाली बॉटल ली है, एंड इसके ऊपर मैंने जेसो का एक कोट अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैंने ये खुद डिज़ाइन किया था इसकी दुल्हन को, सेम साइज़ एंड डायमेंशन लेकर के मैंने इसको प्रिंट आउट निकाला है। एंड एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग, ठीक है सब लोग बनाते हैं, मुझे रिक्रिएशंस बहुत अच्छे लगते हैं, बट क्या अगर आप अपने चैनल या इंस्टाग्राम पे उसे शेयर करते हैं और मुझे क्रेडिट दे देंगे या फिर मेरे बारे में कुछ कह देंगे, तो ना आपकी हाइट छोटी हो जाएगी ना आपकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। तो मेरे बनाने के बाद बहुत लोगों ने इसे रिक्रिएट किया बट किसी ने भी मुझे क्रेडिट नहीं दिया। दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार आप मेरे साथ भी शेयर करते तो मुझे भी अच्छा लगता। बट इससे एक आर्टिस्ट को थोड़ा मोटिवेशन आता है। एंड आयरनी तो ये है कि मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों ने इसे शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम पेज पे एंड डू नॉट कॉपी भी लिखा है। मतलब मैंने तो बिहेंस का ये एक कार्टून था जिसे मैंने यूज़ करके इसे पेंट किया था, बट मेरे क्रिएशन के बाद हज़ारों क्रिएशंस हुए हैं, इसके रिक्रिएशंस हुए हैं एक्चुअली। तो इतनी सारी बातों में मैंने प्रोसेस तो बताया ही नहीं। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन को कार्बन की हेल्प से ट्रेस कर लिया था एंड इसके बाद क्ले से जो भी चीज़ें आपको 3D करनी है उसे आप यहाँ पे शेप दे करके फेविकॉल की हेल्प से इस तरीके से चिपका दीजिए। एंड इसके बाद यहाँ पे हम वाइट एक्रेलिक कलर का एक बेस कोट देंगे। बेस कोट करने के बाद मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट किया है येलो कलर से। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार जो ये दुल्हन है ये मैंने खुद सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन की है, खुद मैंने बनाया है। तो इस बार आप मत कहिएगा कि वो आपकी क्रिएशन है या डू नॉट कॉपी या आपने पिंटरेस्ट से देखा है। बिल्कुल नहीं, ये मैंने ही बनाया है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे जो भी कलर्स आपको करने हैं आप कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। आपको और भी डिज़ाइंस देने हैं, आपको मिरर वर्क करना है, आपको सीक्वेंस लगाने हैं, स्टोन्स लगाने हैं, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जब भी आप ये बनाइएगा प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने भी मेरे साथ जो भी चीज़ें बनाई हैं वो मेरे साथ शेयर की हैं तो उनको मैं अपनी स्टोरीज़ पर शेयर करती हूँ सो दैट कि उनके भी फॉलोअर्स बढ़ें। एंड मुझे अच्छा लगता है अगर मेरे साथ कोई शेयर करता है। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में हमारी जो दुल्हन है वो रेडी हो चुकी है। तो आप इन दो बॉटल्स को अगर बनाते हैं तो आप एज अ बुकेंड भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए अपने आज के फोर्थ बॉटल आर्ट की तरफ। तो ये भी बहुत इजी है, सुपर डुपर इजी है। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बॉटल एंड इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर या जैसो जो भी है आपके पास उससे आप एक बेस कोट दे दीजिए। मैंने दो कोट किया है यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर का एंड इसे कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे दो शेड्स यूज़ किए हैं, ब्राउन एंड ग्रीन, एंड उनको मैंने वाइट में मिक्स करके उनका एक लाइटर टोन रेडी किया है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे जो बॉटल है उसके ऊपर मैं रैंडम सर्कल्स, ओवल शेप, कोई भी शेप आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं।
तो कुछ इस तरीके से हमने रैंडम शेप्स यहाँ पे पेंट कर लिया है। एंड अब नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये शार्पी। एंड अभी मुझे इसका जो रिज़ल्ट है वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। मैं एक दो बार और ट्राई करूँगी, उसके बाद मैं आपको इसका एक रिव्यू दूँगी कि मुझे एक्चुअली में कितना अच्छा लगा या कितना ख़राब लगा। अभी तो मैं यही कहूँगी कि इससे अच्छा जो मैंने पहले आपको मार्कर दिखाया था उसका रिज़ल्ट है। वेल, यहाँ पे मैंने कुछ पैटर्न्स ये लीव के ड्रॉ कर लिए हैं एंड कुछ को मैंने एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। तो एक्चुअली ये जो बॉटल आर्ट है ये बोहो थीम से इंस्पायर्ड है। आप जब बोहो आर्ट देखते हैं तो उसमें कुछ इसी तरीके के शेप्स एंड पैटर्न्स होते हैं जिनको मैंने यूज़ करते हुए यहाँ पे एक बॉटल पेंट किया है। तो बस इसी तरीके से छोटी छोटी एलिमेंट्स आपको करनी है एंड आपके बॉटल्स रेडी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बॉटल पेंट करना है तो। तो अब चलते हैं अपने आज के फिफ्थ एंड लास्ट बॉटल आर्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ग्लास बॉटल ली है एंड इसके ऊपर मैंने एक्रिलिक कलर का दो बेस कोट दिया है। इसे कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद मैंने स्काई ब्लू कलर लिया है एंड इसे वाइट एक्रिलिक कलर के साथ मिक्स किया है एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला है जिससे कि हमारा जो कलर है वो थोड़ा रनी हो जाए। एंड इसके बाद ब्रश की हेल्प से मैं अपनी बॉटल के ऊपर इसे अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली तीन लेयर किया है, लाइट ब्लू, फिर थोड़ा डार्क ब्लू एंड फिर थोड़ा और डार्क ब्लू। एंड कुछ इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे पैट करते हुए पेंट कर लिया है। तो बस इसी तरीके से हमें करना है एंड हमारा जो बॉटल है वो रेडी हो जाएगा। एंड हाँ, आप अपनी सारी बॉटल आर्ट्स को लास्ट में वार्निश करना बिल्कुल ना भूलें। इससे एक बहुत अच्छी सी ग्लॉस फिनिश आती है एंड आपके जो आर्टवर्क है उसका लाइफ भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड लास्ट वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं अगले वीक एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।